एंड मैं जीशु आज एक नई वीडियो के लिए आ रहा हूँ। इसका जो इंजन हम लोग कर रहे हैं एटी है, स्कोडा एटी फोर व्हील ड्राइव है। ये देख सकते हो आज हम लोग इसका इंजन कह रहा है, उसका इंजन का थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये सभी मैकेनिक लोग के लिए नहीं है, जो नया नया काम सीख रहा है उनका लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को भी सेविंग है, ठीक है। देख सकते हो उसका पीछे का जो टाइगर रोल आता है, ये 2 लीटर इंजन रहेगा। और पीछे का जो टाइगर रूल आता है उसका टाइमिंग देगा, वो मेन कॉमन है। कब तभी किसी तरह गाड़ी रिंग बाहर आ गया तो उसको फिर टाइमिंग बराबर डालना। ये स्कोडा एटी का इंजन है, मैं भी दिखाया था उसका हम लोग इंजन कर रहे हैं। ये देख सकते हो इसका इधर में वो तो मालूम है लॉक करना, मार्क आता है ये मार्क में, पुल्ली में मार्क आता है उसमें डालना। और इसका इधर में लॉक करना है, ये प्रेशर पंप का ये जो ये देख रहा है ये लेके इसमें लॉक करना, और ये इसमें लॉक करना, इधर लंकी डाल के लॉक करना, ठीक है। एक ये होल्स का बाजू में आता है ऐसा डॉट मार्क आएगा, वो पुली खोल के डालना, ये टाइमिंग, ठीक है। पीछे का टाइमिंग मेन इम्पोर्टेंट है। जो ये क्रेंक सेंसर है, क्रेंक सेंसर है 3 पिन का। ये अगर बराबर ये टाइगर व्हील बराबर नहीं बैठेगा तो ये रिंग आपका स्टार्टिंग ट्रबल होता है। ये बराबर ये स्टेडी पिन है फ्लाइल का, 1 2 3 होल्स में ये रखना, ठीक ना, 3 होल्स में रखना ये स्टेडी पिन का, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो का इंतजाम करना।